हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज फिर से कुछ नया बनाते हैं शाम के टाइम पे। तो ये देखिए, मैंने बच्चों के लिए कुछ नया बनाया, ये चिकन कटलेट। तो बनाने में बहुत ही आसान है। और चलिए देखिए, आप लोग भी देख के बनाइएगा, घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए, मैंने चिकन ले लिया, 200 ग्राम चिकन, बोनलेस चिकन है। और मिक्सी के बाटी में इसको डाल के पेस्ट कर लेते हैं। ये चिकन डाल दिया इसमें, दो हरी मिर्च, और देखिए 4-5 लहसुन, ये अदरक है, इसमें डाल देते धनिया, हरा धनिया, और ये ब्रेड है, दो मैंने स्लाइस ब्रेड लिए हैं, उसको तोड़ लिए हैं, उसको भी चिकन के साथ ये कर देंगे, पीस लेंगे। और ये देखिए, मैंने ग्राइंड कर लिया है, उतना ज़्यादा मतलब फाइन नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा रखना है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं, ये नमक डाल दिए स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, और चाट मसाला, सबको मिला लेते हैं। चिकन को अच्छा अच्छे मसाला के साथ मिला लिए, मैंने पेस्ट किए थे चिकन और ब्रेड का। अब ये देखिए मिक्स हो गया, एक थोड़ा थोड़ा इसको ये करके रख लेते हैं कटलेट बनाने के लिए। छः सात आठ दस तो बन ही जाएंगे, ये देखिए। एक बाटी ले लिए, उसमें मैदा ले लिए, 3 चम्मच मैंने मैदा लिए हैं, 3-4 चम्मच, और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, इसको मिला लेते हैं पहले। मैं पानी डाल के पेस्ट बना लेते हैं इसका। थोड़ा सा और पानी लगा, टोटल वही वो जो छोटा जैसे लाल बाटी में वही एक बाटी जैसे पानी लगा। देखिए हो गया, इसी भी मेरे रेडी हो गया। ये ब्रेड क्रम ले लिए हैं थोड़ा सा, अब मुझे वो जो चिकन का जो ये मैं मिक्सचर रखा था कटलेट शेप दे देते हैं। आप अपने हिसाब से जैसे चाहते हैं वैसे ऐसे दे सकते हैं, पर मैंने सोचा कि यही दे देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में, ऐसे मैंने दे दिया। अब इसको मैदे के ये मैं घोल में इसको डिप कर लेते हैं, और फिर ब्रेड क्रम में इसको अच्छा से कोट कर लेंगे। देखिए कोट कर लिए ब्रेड क्रम में, ऐसे कर करके सारे बनाने हैं हमें। ये देखिए हो गया मेरा एक, और ऐसे कर करके सब सारे बनाने हैं जितना वहाँ पे बनाए हैं।
ये देखिए ये सारे बना लिए। अब इसको फ्राई करेंगे, ये तेल गरम हो रहा है, इसे दे देते हैं, कटलेट दे देते हैं तेल में। एक बार में तीन चार दे देते हैं, चार तो आ ही जाएंगे। थोड़ा डीप फ्राई करना है हमें ये इसको। ये उलट पलट कर लेते हैं, इधर उधर कर लेते हैं। ये कटलेट इतना सुंदर हुआ है कि जैसे मैंने सोचा है तो इतना अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा हुआ और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। और आप लोग एक बार घर में ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ये मेरा रेसिपी बहुत ही अच्छा है, बच्चों को बहुत ही पसंद है, बड़ों को भी पसंद आया। ये देखिए मेरा कटलेट रेडी हो गया, एक एक करके उठा लेते हैं। देखिए कितना सुंदर हुआ है, ऊपर से क्रंची और नीचे से बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट हुआ था, अच्छा ही हुआ था। आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट में बोलिएगा क्या आप लोगों को देखना पसंद है, क्या खाना बनाना, मतलब क्या बनाएं हम आप लोगों के लिए जो आपको अच्छा लगा अच्छा लगेगा प्लीज़ बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू। ये देखिए सब मेरा हो गया बनाना, सब कटलेट हमने बना लिया। देखिए मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, थैंक यू।